मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक गिनी जाती हैं करिश्मा कपूर। आज के समय में देखा जाए तो करिश्मा कपूर का एक अलग ही नाम और रुतबा है। 46 साल की हो चुकी हैं करिश्मा, तो वहीं हमेशा ही लाइमलाइट में बनी रहती हैं। भले ही करिश्मा फिल्मों से दूरी बनाती हुई नजर आती हैं अब, लेकिन आज भी करिश्मा अपनी खूबसूरती के जरिए हर किसी को दीवाना कर जाती हैं। जहां एक ओर करिश्मा कपूर ने प्रोफेशनल लाइफ में काफी नाम कमाया है, तो वहीं दूसरी ओर पर्सनल लाइफ के चलते भी काफी लाइमलाइट में बनी रहती हैं। ऐसे में आपको बता दें, करिश्मा की पर्सनल लाइफ के बारे में, तो करिश्मा की लव लाइफ किसी से छुपी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी था जब करिश्मा की शादी की चर्चा हुई थी अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन के साथ। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2002 में करिश्मा कपूर की सगाई अभिषेक बच्चन के साथ हुई थी और उस दौरान करिश्मा बेहद खुश भी थी। इन दोनों के प्यार के चर्चे भी बॉलीवुड के गलियारों में जोरों शोरों पर थे। लेकिन जब करिश्मा की सगाई एक्टर अभिषेक बच्चन के साथ हुई, तब उस दौरान करिश्मा बेहद खुश भी नजर आई। सगाई के बाद करिश्मा पूरे परिवार को लेकर कहती हुई नजर आती हैं कि सगाई के बाद इस परिवार का हिस्सा बनकर बहुत अच्छा महसूस होता है। जी हाँ, करिश्मा बेहद खुश थी कि वो बच्चन परिवार की बहू बनने जा रही हैं, और इस तरीके से करिश्मा ने इस परिवार की जमकर तारीफ की। लेकिन करिश्मा की ये खुशी लंबे समय तक नहीं चल पाई और कुछ ही महीने के बाद करिश्मा और अभिषेक की सगाई ही टूट गई। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया कि करिश्मा अभिषेक की सगाई आखिरकार क्यों टूटी थी, और इसकी वजह बताया गया करिश्मा की मां बबीता कपूर को। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें कि बबीता और उनके पति रणधीर कपूर का तलाक तो नहीं हुआ था, लेकिन वो अलग रहते हैं। वहीं बबीता कपूर ने अपनी दोनों बेटियों की परवरिश अकेले ही की। लेकिन जब बात आई करिश्मा कपूर के बारे में, तो करिश्मा कपूर अपने करियर में काफी अच्छा कर रही थी। वहीं अभिषेक बच्चन कुछ समय पहले ही बॉलीवुड में कदम रखे हुए थे और अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस दौरान ये भी सामने आया कि बच्चन परिवार थोड़ा आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, और ऐसे में बबीता नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की जिंदगी में कोई परेशानी हो, और इसी के चलते करिश्मा और अभिषेक की सगाई टूट गई और दोनों के रास्ते अलग हो गए। और इस तरीके से करिश्मा अभिषेक की सगाई टूट गई। वहीं करिश्मा बच्चन परिवार को लेकर बेहद खुश भी नजर आई थी। हमारी इस खास रिपोर्ट में दर्शकों इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9।